आधा दर्जन ने ट्रेसेज ने ठुकरा दी थी शाहरुख की ये फिल्म। वजह जानकर कहेंगे दिल तो पागल है, दिल तो पागल है। मोहब्बत में डूबे आशिकों की दीवानगी जाहिर करती इस लाइन को 20 साल पहले यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म का टाइटल बना लिया था और ये टाइटल हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। दिल तो पागल है ने 31 अक्टूबर 2 दशक का सफर पूरा कर लिया है, मगर ये बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि इस रोमांटिक डांस फिल्म की दूसरी हीरोइन फाइनल करने के लिए यश चोपड़ा को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। आपको ये बात थोड़ा अजीब लग सकती है कि यश चोपड़ा जैसा डायरेक्टर हो और शाहरुख खान जैसा हीरो, फिर भी कोई एक ट्रेस फिल्म करने को राजी ना हो, मगर ऐसा हुआ था और इसकी वजह थी फिल्म की पहली हीरोइन माधुरी दीक्षित। दिल तो पागल है एक प्रेम त्रिकोणीय कहानी थी जिसके लिए शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित का चयन किया जा चुका था और यश जी को तीसरे कोण यानी एक ट्रेस की तलाश थी। चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि यश जी ने दिल तो पागल है के लिए किस किस हीरोइन को अप्रोच किया और उन्होंने फिल्म करने से क्यों इनकार किया। जूही चावला। डर में यश चोपड़ा के साथ काम करने के बावजूद जूही ने इनकार कर दिया क्योंकि जूही उस दौर की टॉप एक्ट्रेस माधुरी के सामने से किम लीड रोल नहीं करना चाहती थी। अपने करियर की पीक पर इन दोनों एक्ट्रेसेज ने कभी स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया। कुछ साल पहले अनुभव सिन्हा की फिल्म गुलाब गैंग में माधुरी और जूही आमने सामने आई। इस फिल्म में जूही ने नेगेटिव किरदार निभाया था। काजोल। इसके बाद यश चोपड़ा ने काजोल से संपर्क किया। यशराज बैनर के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बावजूद काजोल ने भी इनकार कर दिया क्योंकि काजोल को इस रोल में दम नजर नहीं आया। रवीना टंडन। काजोल से ना सुनने के बाद यश चोपड़ा ने रवीना टंडन को इस रोल में लेने पर विचार किया, मगर रवीना उस वक्त फिल्मों से संन्यास लेने पर विचार कर रही थी क्योंकि वो अक्षय कुमार के साथ रिलेशनशिप में थी और शादी करने वाली थी, लिहाजा रवीना ने दिल तो पागल है से इनकार कर दिया। उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला मातोंडकर को इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने अप्रोच किया मगर उर्मिला ने एक दिन की शूटिंग करके फिल्म छोड़ दी। करिश्मा कपूर। यश चोपड़ा इस रोल को लेकर सबसे पहले करिश्मा कपूर के ही पास गए थे। उनके इनकार करने के बाद उन्होंने मनीषा कोइराला समेत दूसरी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया था जिनके बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं, मगर जब सारी एक्ट्रेसेस ये रोल करने को राजी नहीं हुई तो करिश्मा ने फाइनली ये रोल स्वीकार कर लिया। करिश्मा का ये फैसला गलत साबित नहीं हुआ। दिल तो पागल है के लिए लोलो को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड मिला।